देखो सबको बजाने चाहिए, ऐसा कम होता है जवाबी में कि दूसरा कलाकार किसी को पुरस्कार दे दे। ये हमारे बाकी भैया जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं आपने कहा। अच्छा पंकज महाराज जी के लिए क्या बात है महाराज, बहुत अच्छे ले महाराज, तुम्हारी भी चनों की खेती फल फूल रही है। मटर तुम्हारी खेती में तो क्या हुआ भैया। हमारे बाके भैया जी की तरफ से है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 21 पद मुद्राएं भैया मुकेश जी के लिए है। क्या बात है बहन, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ ये राखी बंधाई है ले, इसीलिए तो हमको नाच है इन पर। बहुत बढ़िया ईमानदार कलाकार, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जवाबी में कलाकार सोचते हैं कि कुछ ना कहेंगे तो लोगों को ये लगता है, लेकिन ऐसा अब नहीं सोच रही है बाकी भैया। अब प्रेम से गाना बजाना हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत बोलना चालना ये सब हो गया है, बहुत पहले सब चल चुका है। हाँ बस हाई कोर्ट की ये बात ठीक है। धन्यवाद है, सुनेगा हाई कोर्ट जैसी बहस। देखिए बिल्कुल साधारण से गीत गा रही हूँ, सुनेगा सुनिए। क्योंकि जो सुनने वाले हैं यूट्यूब के माध्यम से भी सुनेंगे, उनको लगेगा कि बाकी मैंने वही साधारण गाने गाए हैं, जो इससे साधारण गाने हैं नहीं मेरे पास। हर क्या क्या बात है, मेरे सारे गाने साधारण ही हैं, सुनिए। कुछ सीधे और सरल गाने हैं, फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं। राधा तो बनी है बस श्याम की, क्योंकि हर सांस किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। अरे कुछ तो असर होता है मोहब्बत में, वरना गोरी राधिका सांवले श्याम की दीवानी नहीं होती। सुनिएगा सुनिए। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर दी, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनयी विचार बरई हटते ही, जिस धनु का भंजन करेगा वही मेरी जानकी को वरण करेगा, मेरी जानकी बिना विचार के बिना हट के उसका वरण कर लेगी। लेकिन देखिए कई वारा लगे उठावन तरई ने तारा, जब ये देखा तो महाराज जनक जी बोले तजहू आस निज निज ग्रह जाहू। हाँ जाओ अपने अपने घर जाओ, लिखा नविद वैदे ही विवाहू। और जब जैसे ही सुना तो लखनलाल जी बोले ए महाराज, ए महाराज रघुवंशन में जह कोई होई तेई समाज कहे न कोई, काचे घट जिम डारो फोरी, ब्रह्मांड उठावो सोयो
गजब लेके दौड़ जाऊं। कहो तो धनुष के छोटे 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 से छोटे टुकड़े कर दूं। लेकिन फिर गुरु जी के आदेश पर राम जी गए, धनुष का भंजन किया। तो गीत सुनेगा, राधा तो बनी व श्याम की, लेकिन गीत में कोई किसी का बन जाए। ये प्रतिज्ञा क्या है? बोले जो धनुआ छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करीदा। तब राम जी गए, धनुष का भंजन किया। तो फिर भैया जी, मैं मां सुनाऊं सुख धाम के, सीता तो बनी है बस राम की। कैसे बन गई? कुछ योग मिला, कुछ मिल रहा है। बाबूजी सुने भैया जी, क्या कि सीता राम की कैसे बन गई? कैसे? वहाँ सीता जी के साथ उनकी और तीन बहनों का विवाह और हुआ। इधर तीन भाई यानी चार भाई चार बहने, लेकिन जोड़ी कैसे बनी? सीता राम की कैसे बनी? सुने सुने। अरे गौर वरण के यदि लखन है गोरे दो मिला दे तो वो कहे हमका तुमसे कम है। बोले एक को एक से थोड़ा कम कर दो, एक गोरे एक काले। सुने यदि शत्रुघ्न गौर वरण है श्याम वरण से उनका उर्मिला है। लेकिन अब देखिए, शत्रुघ्न जी गोरे हैं, सुत कीर्ति जी सामने आओ बापू। धन्यवाद है बापू जी की तरफ से एक मत मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद है बापू जी। सुनिएगा, अरे श्याम वरण के यदि भरत जी मांडवी गौर वरण है साबुरी छवि है छवि राम के। सीता जी कैसी है? गोरी। सुनेगा सुनिए, साबुरी छवि है छवि राम की, सीता तो बनी है बस राम की। अब दूसरा योग देखे, दूसरा कैसे बनी सीता? सुने सुने, शत्रुघ्न जी जिनका नाम है रिपु दमन, जाके सुमरन ते रिपु नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। सुनेगा, रिपु दमन यानी पांच अक्षर, रिपु दमन पांच अक्षर। अब जोड़ी कैसे बन रही सुनेगा? सुनिए, रिपु दमन में पांच है अक्षर, श्रुति की रति में है उतने ही अक्षर। पर एक अक्षर हटा दिया, कितने बचे? चार।
अरे यदि लक्ष्मण में चार है अक्षर सती उर्मिला में है उतने ही अक्षर, फिर चार में से एक हटा दिया बच्चे, अरे तीन ही अक्षर नाम भरत में मांडव तीन अक्षर है, तीन में से एक हटा दिया बच्चे, मह मातो अक्षर राम नाम के, सीता में कितने हैं, तो सीता तो बनी है बस राम की, महिमा दो अक्षर राम नाम की, दो अक्षर राम नाम कहां से आया, भगवान भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोकों में राम की स्तुति की, लेकिन संत नाग देवता पहुंच गए, बोले नाथ इन श्लोकों का बंटवारा कर दो, बोले नाथ ने तीन जगह बांटा, तो तीन हिस्से में किया 100 करोड़ को, तो 33,33,33,333 तीन जगह दे दिया, लेकिन 333 जब जोड़ा तो कितना हुआ, बोले 99,99,99,999, फिर भी एक रह गया, वो था अनुष्टुप छंद में, उसमें थे 32 अक्षर, बोले भोलेनाथ इन अक्षरों का भी बंटवारा कर दो, भोलेनाथ ने 10 10 10 तीन जगह बांट दिया, शेष बचे 2 रा और मा जो स्वयं में धारण कर लिया, और सच्चाई तो यही है अदनि भैया जी, जब भोलेनाथ ने विष को पिया और जैसे ही विष पिया तो रा और मां से लोप कर दिया, रा और मां के बीच में विष लोप हो गया, देवता बोले भोलेनाथ कुछ हो तो नहीं ना, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले मेरे अंदर थे राम और जैसे ही मैंने विष अंदर लिया अंदर से राम आए, विष धन राम हो गया विश्राम, तो मुझे तो विश्राम मिल गया, आचार्य जी, आचार्य जी सुनेगा सुने। और एक और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूत्र बताया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर राम ना हो, बिल्कुल बैठे, कोई भी व्यक्ति हो नाम का 4 गुना करिए, 5 मिला के 2 गुना करिए, 4 का भाग दे दीजिए, शेष बचेंगे 2 ही रा और मा, आचार्य जी, आचार्य जी, जैसे ले लिया मैंने मुकेश, 3 अक्षर है, नाम का 4 गुना किया तिचोको 12, 5 मिलाया 17, 2 गुना किया 34, और 4 का भाग दिया 32, शेष बचे 2, आचार्य जी, आचार्य जी सुने, सुनिए मां साहब, भई हमारे मंकुश भैया जी और डीके पांडे भैया जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्रा है, धन्यवाद, सुनिएगा, सुनिए, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, जो ब्रह्म के समान होगा वो उल्टा नाम जपत जग जाना, अरे हाँ, वाल्मीकि जी ने सोना सोचा रा है ब्रह्मा है जीव, जब ये जीव ब्रह्म से मिलने जाएगा तो ये माया रूपी डंडा मुझे घेर लेगा, क्योंकि भैया जी रा और माँ दोनों के बीच में ये डंडा है, ये डंडा कौन लगा गया, किस डंडे की बात कर रही हो बेटा, इस डंडे की, और ये तो डंडा टेंट हाउस वाले लगा कहे, रा और माँ के बीच में जो डंडा है वो माया है, उसी में व्यक्ति फंसा रहता है, तो वाल्मीकि जी ने उल्टा कर दिया, माँ रा जीव ब्रह्म मिल गया, माया थी उसे किनारे लगा दिया, माँ रा रा मरा, सुनेगा, महिमा दो अक्षर राम नाम के, सीता तो बनी है बस मिथलेश है, आचार्य जी सुनिएगा, सुनिए, आखिरी प्रयास और देखिए सीता राम की कैसे बनी, कैसे आप रामचरितमानस पढ़ते हैं उसमें राम जी के चरण है, चरण में चरण चिन्ह है, वो चिन्ह है कितने कितने, उस चरण में चिन्ह है 24 24, अंतर इतना है जो राम जी के दाएं पैर में है वो माता जानकी के बाएं पैर में है, लेकिन 24 24 दोनों पैरों में चिन्ह है, सुनिएगा, सुनिए, अरे चिन्ह चरणों में 24 24 चिन्ह
जी की तरफ से ये 101 पद्मुद्राएं पुनः प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है बापू जी। सुनिएगा, सुनिए, 24 48 हो गए, लेकिन लेकिन 4 8 का बारह कला के राम जी हैं। अब सुनिएगा, सुनिए, राम जब लिखा जाएगा तब 54 अक्षरों के अंक समावेश होंगे और सीता लिखा जाएगा तब 54 अक्षर। अब आप सोचेंगे कि 54 54 कैसे, अभी तो दो दो अक्षर थे। वाह, गणित आचार्य जी, जी। राम लिखा गया, रा रा है व्यंजन, तो का से लेके रा तक जोड़ेंगे तो अंक बनेंगे 27। हाँ, और फिर आ यानी दूसरा स्वर लगा है 27 2 29। हाँ, माँ है 25वां व्यंजन, 29 25 54। ये सीता सा है 32वां व्यंजन, बड़ी की मातो यानी चौथा स्वर है 32 4 36। ता है 16वां व्यंजन, 36 16 52। आ है दूसरा स्वर 52 54। हाँ, लेकिन 54 54 से क्या हुआ आदने भैया जी, सुनेगा, सुनिए, 54 54 का योग किया तब 108 है पाया। अरे 54 54 का योग किया तब 108 है पाया। तो माला जपू में सीताराम के कितने मन के होते हैं, 108। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बढ़ा सकते हैं आचार्य जी, लेकिन बहुत छोड़ दे रहे हैं। तो सुनिएगा, माला जपू में सीताराम गे, सीता तो बनी है बस राम की, क्योंकि 54 54 अक्षर यानी 108 और 54 54 जोड़ा जाए तो 5 4 9 और 108 यानी 108 8 1 9 और राम जी का जन्म नौमी तिथि मधुमास पुनीता। वाह, 9 है पूर्णांक, 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है और राम जी पूर्ण ब्रह्म है भैया जी। राम सीता मिल जाते तो पूर्ण ब्रह्म बन जाते हैं और ब्रह्म जब लिखा जाएगा वाराहा तो बा है 23वां, रा है 27वां, हा है 33वां, मा है 25वां, यो करेंगे तो 108 ही अक्षर बनेगा। और भैया जी इतना ही नहीं, आदरणीय आचार्य जी, आचार्य जी, सुनिए मां साहब, राम जी का जन्म सूरकुल में हुआ है, कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में हुआ है। क्या बात, सूर वंश और चंद्र वंश, अंतर क्या है? राम जी का जन्म नौमी को तो कृष्ण का जन्म अष्टमी को, दसवीं को हो जाता, सप्तमी को हो जाता, अष्टमी को क्यों? क्यों चंद्र वंश में क्यों? राम जी का सूर वंश में, वो भी नौमी को, क्योंकि नौ का अंग जो है भैया जी उसका पारा पड़िए वो घटता बढ़ता नहीं है। क्या बात है बेटे, ये है समझो, 9 2 18 9 9 3 37 7 9 9 4 36 3 6 9 9 5 45 4 5 9 9 7 3 7 6 3 9 9 8 72 9 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
कृष्ण का जन्म अष्टमी को चंद्रवंश में अर्धुनी 16-6-1-7 घट गया, 38-24-4-2-6 घट गया, और क्या अर्चक 32-3-2-5 घट गया, 58-40-4 फिर बढ़ना शुरू हुआ। घटना बढ़ना यानी चंद्र जो होता है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। क्या बात है, महिमा सुनाओ सुख धाम पिता तो बनी है बस आ
किशोर भैया के लिए। चलो लड़का जब पढ़ा तो बाप जी कहाँ होंगे, सोचो पिताजी को। हम जानते हैं ना आचार्य जी को, सुनिए एक कटफीस और है। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? हर एक रात की होती है समां, इनकी विषाद क्या? हैरत की बात क्या, अरे टूटा जो दिल किसी का, हैरत की बात क्या, टूटा जो दिल किसी का, हैरत की बात क्या। बापू जी की तरफ से ये एक श्वेत पद मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। मैंने गाया कि धनुष टूट गया, और जब धनुष टूट गया तो देखा कि वहां आ गए परशुराम जी। धनुष किसने तोड़ा? धनुष किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? सामने आए वो। बोले यार तो जिसने तोड़ा वो सामने आ जाए, या फिर समाज उसको छोड़ दे, और अगर ऐसा नहीं किया तो सो पीलेगा। क्या कहने, क्या कहने, अरे बापू बापू क्या किसो बिल गाई बिहाई समाजा, अरे न तुम्हारे जई है सब राजा, न तुम्हारे जई है सब राजा, न तुम्हारे नहीं तो सब मारे जाओगे। बताओ धनुष किसने तोड़ा? हाँ बताओ आचार्य जी, राजा थोड़ा ही है। और जब ये सुना बहुत क्रोध में आ गए, तो राम जी बोले धनुष तोड़ने वाला कोई आप कोई दास होगा प्रभु, लेकिन क्रोध के मारे लखनलाल जी के बोल उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। बोले छोट कुमार खोट बड़ भारी, छोटा जो है ना बालक बड़ा खोटा है। ये हल्का
परशुराम जी को प्रणाम किया, बोले देख मेरे फरसे की तरफ देख। तो लखनलाल जी बोले हम तुम्हारे फरसे की तरफ देख के थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, तो हमने तो और कुछ देखा। बोले क्या? बोले हमने तुम्हारा यज्ञोपवीत देख लिया। डर के मारे थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं। और बोले आप अकेला फरसा थोड़े लिए हैं, तो बोले एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, ये तुम ही अधिक लटकायो है। बोले तो बोले हमने जानी है जनकपुर में को कारीगर अस्त्र बेचने आयो है। और जब क्रोध में अधिक आ गए, बोले हम इस फरसे से तेरा सर काट देंगे। तो लखनलाल जी बोले सुनो महाराज, सुनो कि छोटा मुंह बड़ी बात हमको सिखा रहे। अरे छूते ही टूटा धनुआ रघुवर का तो और बोले महाराज एक बात बताओ, धनुष धनुष तुम्हारा था? बोले नहीं। बोले फिर बोले हमारे गुरुजी का था? तो बोले तुम्हारे गुरुजी ने तुमको दिया? बोले नहीं। तो बोले ये बताओ धनुष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे गुरुजी ने तुमको दिया नहीं, टूट गया सो टूट जान दो, तुम काहे को टूट रहे? जड़ जड़ सी वस्तुओं पर करना अफसोस क्या, क्योंकि ये बड़ा पुराना था। Oh,
आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद बापू जी दे रहे हैं।